हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम जा रहे हैं खटाई बनाने। कहाँ? बुआ लोगों के घर में। तो दोस्तों, आज हम आपको खटाई दिखाएंगे कि खटाई कैसे बनाई जाती है, क्या क्या उसमें पड़ता है। खाने और बनाने जा रहे हैं दोनों। इधर से मौसमी भी ले जा रखी इन्होंने हमारे यहाँ से। तो चलिए, हम पहुंचने वाले हैं उनके घर में। ये देखिए, इनसे मुलाकात हो रही और ये माल्टे दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह मुलाकात हो रही इनसे और इनके घर में पहुंचते हुए बुआ लोगों के। और देखिए ये माल्टे छिल रहे हैं, इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। यहाँ पे नहा धो के एकदम फ्रेश होके हंस भी रहे थोड़ा थोड़ा। और ये खटाई बना जा रही है यहाँ पे। अभी इसमें और सामान पड़ेगा जो कि अभी तैयार नहीं है, वो भी तैयार होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ आगे। तो हम बैठ रखे हैं, हमने क्या, हमने तो खाना ही है बनाने वाले, तो यहाँ पे बैठ रखे आगे। और ये बैठ रखा कुर्सी के ऊपर, फोन चला रहे हैं। और काफ़ी प्यारा मौसम है आज का, धूप भी अच्छी है और खाने में अभी टाइम है। खाते हैं अभी तेल भी डालेंगे इस पर। तेल किस तरह बनाते हैं, किस तरह इसका सामान तैयार करते हैं खटाई में डालने के लिए। ये तिल है, अभी इनको भुना जाएगा पहले। और तवा लगा दिया ऊपर। अब देखिए ये तेल भी पड़ गया इसके ऊपर। अब इनको अच्छे से भुना जाएगा गर्म करके और तब इनको पीसा जाएगा। इसमें अभी और भी सामान पड़ेगा। और ये हल्के हल्के बल्कि नहीं, फुल हाथों से को घुमा रहा है। और ये रहा यहाँ पे सचिन जो कि तिल भुन रहा है। यार गाइस, ये मुंह ने मुंह भी नहीं धुला है, साला ऐसी बना रहा वीडियो। इसने मुंह भी नहीं धुला, बस अभी खड़ा उठा। ये देखे यार, पर कोई नहीं, तभी हम स्मार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही, पढ़ी लिखी लौंडी साथ आ रही तो दिक्कत कहाँ आ रही है। अच्छे से भुना जाएगा इनको अभी। अभी इनको हीट मरेगी, अभी गर्म नहीं हुए। देखिए देखिए, इसने तिल जला दिए हैं। हो गए, बंद कर उसको। इसमें इसको गांव में सिलोटा कहते हैं। ओ गाइस, इन्होंने मेरी आंख निकाल दी है। अब देख, अब इनको बारीकी से पीसा जाएगा। देखिए पूरा बल लगा रहा है, दिमाग का प्रयोग कर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ बल लगा रहा है। दिमाग पर क्या करनी है पर। अब इसमें चीनी भी पड़ेगी। देखिए अभी पानी पड़ेगा, इसमें हल्का सा पानी पड़ेगा। और देखिए पानी की बौछारे डाल रहा है यहाँ पे हल्के हाथों से। और इसको काफी गुस्सा आ रहा है कि काम मेरे से करवा रहे हैं। कहीं इसके नाक से कुछ निकल ना जाए नीचे। ना 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 यार, जितने मैं नहीं निकलो आज। अब बोल रहा कि मैंने बचपन में खा लिया था बल बहुत ज़्यादा, पर आज अब नहीं, अब बड़ा हो गया बस थोड़ा ना समझदार। और देखिए किस तरह हल्के हल्के हाथों से पीस रहा है इसको। खैर यहाँ वो है नहीं मिक्सी, गांव में इसी मिक्सी होती नहीं गांव में, इसी से काम। सिलवट्टा ही बढ़िया है। हाँ, रगड़ रगड़ बोलोगे तो तुम्हारे सर पे भी सिलवट्टा मार दूंगा। हाँ। और देखिए इनको, देखिए बस कभी कॉल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ काम करना नहीं है। और देखिए ये फोटो खींचने पे व्यस्त है। माल्टे छिल दिए इन्होंने, इतना ही काफी होंगे माल्टे। देखिए बहुत हैवल माल्टे कह रहे हैं इन्होंने। यहाँ पे कबाड़ा भी कर दिया काफी सारा, जो की हेना रीना जो भी है उसको साफ। जीरा डाला जाएगा, इसको भी पीसा जाएगा। अब दूसरे आ गए हैं जो जीरा पीसेंगे। देखिए ये हेलो गाइस बोल रहे हैं। राम राम जी, कैसे हो आप सब लोग? राम राम जी भी बोल रहे हैं। देखिए धुआं भी निकल रहा है क्योंकि गरम गरम है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, आपको क्या ही बताएं। देखिए जीरा इसलिए करते हैं क्या का, ताकि कोई बीमार ना हो, किसी को बुखार ना आए, क्योंकि खट्टा है इसलिए जीरा भी इसमें प्रयोग किया जाता है। अभी इसमें नमक चीनी वगैरह वगैरह मिर्च पड़ेगी, अभी दही भी पड़ेगी। देखिए ये दही है, ऊपर ऊपर की दही निकाल रहे हैं।
इससे हमारी खटाई काफी अच्छी होती है, होती है, तो इसलिए ऊपर 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 से निकालते हैं। अभी चीनी भी पड़ेगी, ये सामान रहा, अभी इसमें थोड़ा चीनी नमक आएगा और मिर्च आएगी और काफी थोड़ी है यहाँ पे है। चीनी का, चीनी भी और देखिए चीनी के लिए बोल रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि चीनी सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए दूध है, और ये देखिए ये फोटो के लिए बोल रहे हैं, पर फोटो में खींचूंगा नहीं, पड़ रही है। देखिए चीनी भी पड़ गई है और ये है कर रहा है यहाँ पे जीरा, ये जीरा है, इनको कोई बिगाड़ ना हो भले। और ये तिल है, देखिए बोल रहा है इसने पीसा, इसको ये डालेगा। इसकी क्या है ये पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा तिल है ये, जैसे जैसे हो गई तब। अभी नमक पड़ना बाकी है इसमें, नमक तो गाइस हमारे नमक खत्म हो रखा है, अगर तुम्हारे नमक है तो भेज दिया, भेज दिया मैं के लोड पर व्हाट्सएप पर भेजा ऑनलाइन। नमक होगा, अभी दूध ओरिजिनल नहीं है, है ना। देखिए दूध पड़ चुका है इसमें, अब सिर्फ नमक डालना बाकी रह गया है और डाल रहे हैं यहाँ पे नमक बाकी। और थोड़ा कम ये देखिए, इनको जरा देखिए कैसे देख रहे हैं दूर से, और हंस भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा स्माइल। तो अब कटोरे जानना खाइए, मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है इनके, तो क्या कर सकते हैं हम, अभी टाइम है बनने में। गाइस इसे कच्चा पका खा रहा हूँ, जैसे भी है इसके असली स्वाद तो इसमें आएगा। झोल देखिए ये क्या हो रहे हैं, इसके हाथ देखिए क्या लग रहा है, ये तिल रहा है ये, और ये जीरा है ये लगा हाथ पे, मुझे सोच रहे की पता नहीं क्या क्या लगा दिया। तो दोस्तों हम आपको दिखाते रहेंगे, प्लीज वीडियो में बने रहे। देखिए नमक डाल रहे हैं, कोई नहीं नमक जैसा है ऊपर नमक होना चाहिए, क्योंकि नमक बिना हर चीज अधूरी है। दाल में अगर किसी चीज में मिर्च ना हो पर नमक होना ही चाहिए, तो नमक भी डाल दिया है। अब इनको थोड़ा मिक्स करेंगे खटाई को, इसके बाद दिखाते हैं हम आपको खटाई खाने की रस्म कैसे कैसे करते हैं लोग। देखिए अभी मिक्स कर रहे हैं इनको, देखिए लड़ाई की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे, और इसने थोड़ा दूध कम था भले पिला दे इसने, और कोई नहीं गाइस मैंने खाऊंगा इस खटाई को, ये देखने यार देख किस तरह इसको गिमजरा गिमजरी लगी। वाओ काफी खटाई काफी वाइट बन चुकी है, ये काफी है इस इसमें, ये पन्ने अभी इन पे खाएंगे हम ना। ओ गाइस ये अंकिता बिस्ट की कॉफी है, अगर अंकिता के पास ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज इस वीडियो को अंकिता बिस्ट के पास पहुंचा दीजिए, हिंदी की कॉफी उसकी 12th की जो कि अभी बीएससी। देखिए ये किस तरह पता नहीं मेरे खाने का मन मर गया, अब किस तरह ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है इसमें, इनके गंदे बंदे गंदे बंदे नहीं तुम लोग पीसी काम तिल। देखिए चलो कोई नहीं कोई नहीं, जैसी भी हमने तो खानी है। तो गाइस यार काम का तुम्हारा है नहीं, वीडियो देखने भी आए। देखिए कुछ कुछ उठटांग बोल रहा है, कुछ दे ही नहीं रहे कोई, कटोरा ना तू ले काली कटोरा, और परदीप भाई के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ से आए हैं बंदे तो इनके रिस्पेक्ट की जा रही है, और यहाँ पे नमक टेस्ट हो रहा है अभी। अबे और खटाई बिल्कुल खाने मन नहीं करा, ऐसे फेंक रहे इसको, देखिए किस तरह टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये फोटो खींचने पे भी लगी हुई है। मेरे को काम से घर जाना पड़ रहा है, कुछ कॉल आई अर्जेंट, तो ये मेरे के लिए थोड़ा खटाई भर रहा है इसमें, मेरे लिए मेरे के लिए जो भी है मेरे लिए, और ये औरों के लिए भर रहा है। देखिए हम इनको दिखा नहीं पाएंगे किस तरह खाएंगे हम घर की और प्रस्थान, क्योंकि कॉल आई है, ये खटाई है। दोस्तों हम घर जा रहे हैं क्योंकि कॉल आई थी, कुछ काम है बल मेरे हाथ का, तो मैं उनको दिखा नहीं पाया, खुद को दिखाएंगे किस तरह मैं खटाई खाऊंगा, किस तरह इसका आनंद मजा, काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया था इसके लिए, और ये खटाई है हाथ में, चलिए आपको। तो दोस्तों खटाई खाते हैं बाद में, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।